अली भाई, अभी काफी सारी बातें डिस्कस करने वाली आपको, पता है पॉडकास्ट में जरा जी जी खुला डुला टाइम होता है। एनी टाइम। थोड़ा सा हम आते हैं कि आपने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी का शुरू किया हुआ जी, प्रॉपर्टी पे आप बिजनेस करते हैं, तो इस तरफ आने की क्या रीजन है और क्या क्या आप इसमें लोगों को गाइड कर रहे हैं? देखिये, दो बातें हैं। वॉरेन बफे कहता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, बहुत बड़ा दुनिया का अमीर आदमी भी रह चुके हुए हैं, अभी आज तक दूसरे से नंबर पे होंगे। वो कहते हैं, इफ यू हैव वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग पुअर। Exactly, 100% सड़क पे आ जाओगे फौरन। एक सोर्स ऑफ इनकम ही होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि मैंने ना जी अगेन अपनी अपने अपने जो थे ना आमदन के जरिए वो बढ़ा के अपनी सहाफत को आजाद रखा है, ठीक है, ताकि आप जो दिल में है वो बात जो सही मुझे सही लगता है। दिल में बड़ा कुछ आ जाता होता है, दिल में तो गालियां भी आ जाती होती है, जो हमारे माशाल्लाह लीडरान के हालात है ऐसे आ जाते हैं। लेकिन नहीं, उसका हुआ ये कि मैंने ना ये प्रॉपर्टी इसलिए शुरू की कि ना, एक तो मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छा बूमिंग बिजनेस है पाकिस्तान, इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान की, और मुझे ये लगता है कि हाँ मेरा एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिसका ताल्लुक, उसका ताल्लुक सहाफत से नहीं है। मुझे खबर बेचनी नहीं पड़ेगी, मुझे जायदाद बेचनी है, मुझे फ्लैट बेचना है, मुझे प्लॉट बेचना है, और तिजारत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि 10 हिस्से में से 9 से 8 हिस्से तिजारत के, बाकी बेशक तो ये तिजारत है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम शुरू किया, पाकिस्तान के साथ साथ हमने दुबई की प्रॉपर्टीज को भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया, लोगों ने उसको भी बहुत सराहा कि तो पाकिस्तान के रेट पे मिल रही है भाई वहां पे। तो मैंने बताया कि पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क है जहाँ प्रॉपर्टी जो है ना वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है, ये एक ऐसा अमेजिंगली ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत जल्दी इन्फ्लेट करती है चीजें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू किया है, वो भी ठीक चल रहा है। अच्छा, इसमें जिम्मेदारी बढ़ने जाती है जब आप स्क्रीन के बंदे हो, आप फेमस आदमी हो, अब आप जब प्रॉपर्टी का काम करें तो आपको रिसर्च बाकी उसे ज्यादा करनी पड़ती होगी। यार जरा सा मसला आया, उन्होंने कहा ना हमने तो अली भाई देखिए मुझे अब वो ये, मैं प्रॉपर्टी में नया हूँ, एंकर पुराना हूँ, तो अगर लोग मुझ पर एतबार कर रहे हैं तो इस वजह से नहीं कर रहे कि मैं बहुत अच्छा रियल्टर हूँ, वो इस वजह से एतबार कर रहे हैं कि अच्छा ये एक सहाफी है, सच बोलता था, उनको लगता है पुराना साफी है, नॉन फेस, हम इसको सुनते हैं। अच्छा, मुझे सुनते वही है जो समझते हैं जो मैं सच बोलता हूँ, अदरवाइज तो कोई ठीक है बास को लगता अगर ये बोलता, तो जो सुनते हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूँ वही प्रॉपर्टी के लिए रब्ता करते हैं, तो वहां मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं ऐसे, मेरे पास कई प्रोजेक्ट्स आए, कई लोगों ने कहा कि जी हमने सोसाइटी काटी है, जी हमारा वीलॉग कर दें आकर। मैं कहने जी ऐसे मैंने यहाँ पे लोगों के पैसों का मसला, और पैसे भी वो हमारे मुल्क में लोगों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी संभाल के रखी जब तक पूरी रिसर्च नहीं हो जाए अपने तौर पे। आगे आगे अल्लाह मालिक है, बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं कि 100% लिजिट है, लेकिन कोई ऐसा मसला आ गया कि वहां पे प्रॉपर्टी किसी की नीयत खराब हो जाए, सर डेवलपर भाग गया, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरे दस उस वक्त जो हालात आपके सामने होते हैं, आपकी चेकलिस्ट पे जो पूरे उतर रहे हो, उनको फिर आप कहते हो कि अच्छा यार इसको जो है हम उस काम को फिर हम पकड़ लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। मेरे पार्टनर मेरे साथ है, उन्होंने मुझे एक दुआ बताई थी, वो मैं अब करने लग गया हूँ ना बहुत अच्छे से। उन्होंने कहा मैं सुबह उठ के दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे पास वो कस्टमर भेजना ही ना कि जिसको मुझसे नुकसान हो। सुभान अल्लाह, आमीन। वो बड़ा अच्छा, उन्होंने मुझे दुआ, मैं दुआ मांगता हूँ मेरे पास वो शख्स भेजो ही ना कि जिसको मुझसे नुकसान की तवक्को या खच्चा या एहतमाल भी हो, अल्लाह पाक वही भेजे जिसमें उसका भी फायदा है। तो अली भाई, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ भी आते हैं जी। जाती तौर पे किसी पार्टी की तरफ टेंट है आपका, पसंद करते हैं किसी को? मेरा असल में बात यह है जी, मैं अगर आपको हकीकत बताऊं अहमद साहब, तो मेरा ना अब मैं हूं तो सहाफी, मेरा काम है मैं रिपोर्ट करता रहूंगा। सहाफी का काम रिपोर्ट करना होता है, एक और बड़ी गलत फहमी डाल दी गई भाई आप जो है ना समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, सहाफी समाज सुधारक नहीं, उसका काम रिपोर्ट करना है। जब वो समाज सुधारक बन जाता है ना तब गलत करना शुरू कर देता है। खैर एक और टॉपिक है, इस पर किसी ने और बात करेंगे। मैं ना यकीन कीजिए अहमद साहब, मेरा ईमान उठ गया हमारे मुल्क की सियासत से। मैंने बड़ा करीब से देखा, 15-16 साल हो गए काम करते, मेरा ईमान इस पूरे खेल से उठ चुका हुआ है। और ये एक और खतरनाक बात मैं कर रहा हूं जिसपे दोबारा मेरी बड़ी जो है वो लेदे हो सकती है कि ये सब एक है, सब अपने लिए कर रहे हैं, ये एक एंटरप्राइज है, ये एक कॉरपोरेशन है, जैसे कॉरपोरेशन कंपनी एंटरप्राइज के सबसे लिए उसका इंपॉर्टेंट उसका अपना मफाद होता है, ये वो है। इस मुल्क के साथ अगर किसी ने एक साल भी सिंसेरिटी से चला होता अहमद साहब, ये मुल्क कहां से कहां पहुंच गया होता। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश नहीं रिजल्ट देखा करो, रिजल्ट क्या है, हर किसी की बारी निकाल के देख लो रिजल्ट क्या है। इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ किया गया, इस मुल्क को नोचा गया, दबोचा गया, चीरा गया, फाड़ा गया,
पता नहीं खुदा की अता है इस मुल्क पे कि ये कायम और इंशाल्लाह कायम रहने के लिए बना कायम रहेगा। लेकिन सर मैंने ये देखा है कि इन सब को, अब मुझे एक बात बताइए कि आप रात को जो एंटरटेनमेंट चैनल को ही लगा लें, सॉरी न्यूज चैनल लगा लें, सेम ही होते हैं, वो लगा के बैठ जाए आप, मेरी रोजी रोटी है, मैं फिर भी बात कर रहा हूं भाई, मेरी रोजी रोटी से वाबस्ता है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आप लगा के बैठ जाए, फुला ने ये कह दिया, फुला ने फुला के खिलाफ ये बयान दे दिया, यार इसको कभी एनालाइज करें, इसका क्या तुक है सबसे। अच्छा मुझे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, आजकल एक केस चल, बतौर सहाफी मैं बता रहा हूं आपके बात, अब ये इस पे आपको हंसी आएगी, एक जमात कह दीजिए अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, एक जमात कहती है जून जुलाई में कर लो, उसके ऊपर पूरा मुल्क जाम करके रखा हुआ है, इन्होंने इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, बिल्कुल अच्छा एफडीआई आ नहीं रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस रुक, खत्म, हर चीज स्टॉप हुई हुई है, मैं रियल एस्टेट का काम करो ना, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, बिल्कुल इलेक्शन होंगे देखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है सर, स्टेबिलिटी आ, स्टेबिलिटी नहीं। अच्छा अब ये अगर कोई देखे इस बात को, कुछ सोचे, आवाम एनालाइज करे, होता क्या है ये जो मैं माजरत के साथ जो इस तरह की वीडियोस भी बना रहे होते हैं ना कि आज मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान को पास, इमरान खान की जीत जो है वो इस तरह होने वाली है क्योंकि आज मैं नवाज शरीफ ने वो कर दिया, अरे सब झूठ है भाई, क्यों अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, 3 महीने पहले केयरटेकर सेटअप चाहिए ना आपको, चाहिए इसका मतलब अक्टूबर से पहले सितंबर अगस्त जुलाई, जुलाई के अंदर खत्म, अगर जुलाई में या जून में करने हैं तो अभी केयरटेकर सेटअप आ जाना चाहिए। सर मुझे एक बात बताएं, ये करने से इमरान खान के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि अगर ये 2 महीने पहले करवा लेते हैं तो मुल्क ठीक कर लेंगे, या इनके पास क्या है 2 महीने अक्टूबर को मत लेने आप कुछ क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना, इमरान खान कर सकते ना वो कर सकते हैं कुछ, लेकिन किया क्या है जान बपा करके रखा हुआ है, क्यों, ताकि ये आवाम समझे ये अपने ये सस्ता काम कर रहे हैं, उसके लिए करने पड़ते थे जलसे रैलियां, ये सस्ता, ये अपने आपकी मेमोरीज में खुद को रेलिवेंट रखे हुए, टीवी पे अगर रोज आना है तो कॉन्टेंट देने ना भाई, कुछ तो देने, ये कॉन्टेंट क्रिएटर्स है ना, बड़ी सख्त बात कर रहा हूं, ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये आपको कंटेंट क्यों दे रहे हैं, ताकि इलेक्शन वाले दिन तक ये आपको याद रहे वरना तो भूल जाएंगे, भूल जाएंगे सर। सस्ता मुझे बताएं, कैमरा मेरा, आपने चैनल बनाया, कैमरा मेरा, कैमरामैन की तनख्वाह मैंने देनी है, बिजली का बिल मैंने देना है, एंकर की तनख्वाह मैंने देनी है, लीडर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मैंने चला दी मुफ्त में उसकी, मैं उसने पैसे नहीं दिए उस चीज के, बिल्कुल वो तो आके बोल के चला, वो बोल के चला गया, मैंने ऑनियर करके उसको तशहीर कर दी उसके, मैंने अवाम के बेडरूम तक पहुंचा दिया जहां टीवी लगा हुआ था। अब ऑन द अदर हैंड पहले क्या होता, जलसा करना पड़ेगा, लाखों करोड़ों खर्च होंगे, बंदे बसों में भर के लाने पड़ेंगे, कुछ फिर समझ आएगी कि वो चाहता क्या है, उसका मंशूर क्या है, उतने ही सुनेंगे आप, सुने पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान शाम को उसी वक्त से टीआरपी आ जाएगी, प्रोग्राम खत्म हुआ, रेटिंग का मीटर बता देगा इतनी रेटिंग आ गई आपकी, सोशल मीडिया बता देगा इतने व्यूज आ गए आपके, अब इससे हुआ क्या, उसकी बात सस्ते में या मुफ्त में आप तक पहुंच गई, बिल्कुल। इस पूरे खेल को अगर कोई समझे, अवाम समझ जाए इस बात को कि जो इलेक्शन का फड्डा है इसका कोई ताल्लुक नहीं है मुल्क की तरक्की से, 2 महीने में वो कुछ नहीं कर सकते, रेलिवेंसी से है। वो अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं, हम रोज सुबह उठते हैं इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, अदालत ने यह फैसला ले लिया, अदालत कहती है 14 मई को, भाई कुछ नहीं होना, 90 दिन गुजर चुके हैं, आइन की पामाली हो चुकी है, बिल्कुल अब पीछे बचा कुछ नहीं है, अगर यही सुकून होता है साहब, आज कारोबार ना हो रहा होता। इस दफा ईद पे दुकान वालों के पास मैं गया, उन्होंने कहा जी बंदे क्यों नहीं आया, नहीं आया, रश पे मत जाएं, वो विंडो शॉपर्स होते हैं, शाम को बैठे ना दिल कर रहा है, याद रहा है, तो निकल जाओ, मैं भी निकल के कहते फैमिली को बाहर अपनी, थोड़ा सा पेट्रोल साड़ के आ जाऊंगा ना। अली भाई आप देखे पहली दफा हज का कोटा वापस किया, अभी से अंदाजा कर लिया, मतलब इंसान की सबसे बड़े ख्वाहिश मुसलमान की क्या होती है, से भी पैसे यार हज, हाँ, हज कर ले, एक फरीजा अंजाम दे दे, इस दफा हमेशा कुरान अंदाजी होती थी, इस दफा कोटा वापस करें। अहमद साहब आप, मैं ये एक ऐसी हकीकत मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया की बता रहा हूं, इसको भले आप अलग से इसको लॉन्च कीजिएगा इस क्लिप को, कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की नहीं सॉरी सियासतदानों की, ये सिर्फ और सिर्फ खुद को रेलेवेंट रख रहे हम भी। आज मुझे एक बात बताएं, मैं इमरान खान की गिरफ्तारी जब इन्होंने करनी थी, मैं रमान पाक खड़ा हुआ था, पुलिस की हरकतें देख के नजर आ रहा था पुरस्कार करना चाहते ही नहीं, और ये बांदर दिया आनिया जानिया, और बांदर ने कैसे आग लगी, मैंने कहा गिरफ्तार ये तो गिरफ्तार कर क्यों नहीं रहे, ये वो क्या पता करते थे, वो अचानक से भाग के इधर चले जाते थे, वो 50-40 रौला रौला,
अच्छा वो मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या है, ये हो क्या रहा है, मैंने वहां से एनालाइज करना शुरू किया, ये हो क्या रहा है। और फिर मैंने अपने माइंड को ना एक और रुख पे डाला। पहले मैं भी यही करता था, हमें सिखाया ही गया ना, मौलाना फजल रहमान ने ये कह दिया, उसके जवाब में इमरान खान ने ये कह दिया, उसके जवाब में सरदारी साहब ने ये कह दिया, ये क्या है, इसको खबरों की जिनत क्यों बना रहा हूं मैं ये क्यों नहीं बता रहा कि जो सैलाब आया था मुल्क में उसमें अभी भी आपका सिंध अभी भी डूबा हुआ है, बिल्कुल यूं क्यों नहीं बता रहा, इस साल फसलें नहीं होंगी, ये खबर हो, ये खबर है हजरत, किसने क्या कह दिया, वो खबर नहीं होनी चाहिए। अवाम की भी गलती, अवाम भी यही सुनना चाहती है। सर अवाम को वफीम है ना, वफीम है। मैं आपके सामने एक जगह पे मैं रख रहा हूँ अनार, जन्नत का फल है, खून बढ़ेगा, निजाम हजम अच्छा होगा इससे आपका, और उस जगह मैं रख रहा हूँ हफीम। अब चूंकि आप हफीम पर लगे हुए हैं, आप हफीम खाएंगे, अवाम को इस हफीम पर लगाया गया है। अच्छा हमें क्या, हमें मजा क्या आता है, वो शोला बयान मुकर्रर, ओए फुलां, ओए फुलां, उधर से भी आ गया, ओए फुलां, ओए फुलां, कोई दलील नहीं, कुछ कोई दलील कुछ नहीं है। अब बाद में ये वही लोग हैं जो खुद कहते हैं, हम जब कहते हैं फुलां शख्स को आपने पंजाब का सरबर डाकू कहा था, वो सियासी बयान था जी, तो समझो ना यार बाबा, समझो ये सियासी बयान होते हैं। तुम आपस में इख्तलाफ करके बैठ जाते हो कि जी फलां पार्टी का मेरा रिश्तेदार फलां पार्टी को सपोर्ट करता है, मैंने से बात ही नहीं करनी। अरे घर घर में लड़ाई हो रही है। और मैं अपने कई दोस्तों से जो अब तो खैर काफी सारे जो मेरे करीब है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुधर चुके हैं। अच्छा। इस मामले में क्योंकि मैं उन्हें एक बात कहता हूँ तो वो फिर गुस्सा कर जाते हैं। मैं कहता हूँ जिस लीडर के लिए तुम यहाँ पे बैठे लड़ाई कर रहे हो, लीडर को तो छोड़े, मुझे उसके कुत्ते के साथ सेल्फी लेके दिखा दो। लीडर को छोड़ो, उसके घर का जो पालतू कुत्ता है उसके करीब पहुंच के दिखा दो, कहते हमारी एक्सेस नहीं है, मेरे साथ क्यों लड़ाई करें। ये बहुत अच्छी दलील दी है, होना चाहिए। आप वोट दें, आपका राइट है, बिल्कुल, लेकिन आप भाई बहन से लड़े इस बात उस लीडर, और उसको बताइए नहीं कि आप एग्जैक्टली है, जिसके लिए गिरबान पकड़ रहे हो भाई का, उसको तो इल्म में भी नहीं, उसको फरिश्तों को भी नहीं पता। तो ये हम ये कर रहे हैं, इस चीज को आज आप फरामोश कर दें, आपकी पाकिस्तानी अवाम आज ये बायकॉट कर दे कि हमने ये लुच्चरपन नहीं देखना। मैं उसको लुच्चरपन कहूंगा, ये भी बकवास है। मेरे इशू पे बात करो, मेरा इशू क्या है कि आज भी सरकारी अस्पताल में जो है वो पूरा अमला नहीं है, स्टाफ नहीं है, मशीन नहीं है, टेस्ट देता हूं, मुझे 3 महीने की डेट मिलती है कि मेरी हार्ट का ऑपरेशन, मैं मरने वाला हूं भाई, ये इशू है। ऐसा वाकया हमने अपने देखा है आसपास, एक एक साल की डेट मिली है उसकी, उसका बायपास होना है कल परसों में, उसको एक साल की डेट। ये आपके आपके मसाइल है भाई, आपके मसाइल महंगाई है, आपकी मसाइल दहशत करती है। लाहौर में 400 शूटर फिर रहे इस वक्त, 400 शूटर, 40,000 इश्तिहारी है जो कि पंजाब में फिर रहा है इस वक्त। ये आपके मसाइल हैं, जुराइम आप बताएं कहाँ जगह मिलती है खबरों में। रात को शाम को 7 बजे थिएटर शुरू होता है, रात 12 बजे तक चल रहा है, और आप बैठे हैं, आपको लगाया हुआ है फीम के ऊपर, आप लगे हुए हैं।